प्रश्न ये प्राप्त हुआ है कि 1.25 लाख क्लीन होने के बाद किस प्रकार के चेंजेस व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। हमें सबसे पहले क्लीन का तत्व, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके साथ में एक चीज और है, ये व्यक्ति के मनस मनस पर निर्भर करता है, लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आप नॉर्मल चैंटिंग कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो सबसे पहला प्रभाव पृथ्वी तत्व का स्ट्रांग होना। पृथ्वी तत्व जब स्ट्रांग होता है तो पृथ्वी तत्व को हमें समझना होगा, पृथ्वी तत्व से होता क्या है। पृथ्वी तत्व से हमारे जितने भी लाइफ के कंफर्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्लीन बीज मंत्र जब सिद्ध हो जाता है या फिर 1.25 लाख के बाद जो प्रभाव आता है वो बंदे के अंदर मानसिक संतुलन बनाने वाला होता है। परंतु मोहिनी और विरहिणी, मैं हमेशा बात करता हूं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, यह दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। व्यक्ति किस लक्ष्य को लेके अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, यदि व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी पहले से होगी और उसके अंदर की ऊर्जा का शोधन पहले नहीं हुआ है तो 1.25 लाख के बाद उसकी ऊर्जा का शोधन होना शुरू होगा। अब यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके मनस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी ऊर्जा किस प्रकार की है, पहले उसकी ऊर्जा का शोधन हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ में वो प्राणायाम कर रहा था, अकेले क्लीम का जाप कर रहा है, ओम क्लीम ओम का कर रहा है, क्लीम कामदेवाय नमः का कर रहा है, या फिर क्लीम काम कला काल्य का कर रहा है, किस प्रकार से वो कौन सी माला किस प्रकार का कार्य सिद्ध करना चाहता है। अब अगर हमें यह जानना है कि इसके नॉर्मल प्रभाव क्या होते हैं, तो पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होता है। पृथ्वी तत्व से क्या होता है, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है इस साउंड से। और पृथ्वी चक्र में क्या क्या आता है, काम ऊर्जा, अपान वायु का खत्म होना, ऊर्जा का क्रिएशन, प्राण का क्रिएशन, और एक लक्षता और एक यौवन सौंदर्य जैसी आभा, और उसके साथ में कंसंट्रेशन, व्यक्ति की कंसंट्रेशन राइज होने लगती है। जिस मान लीजिए आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ही क्लीन कर रहे हैं, ज्यादातर इसीलिए प्रयोग होता है। अगर आप इसी तत्व को, इसी तरीके से, इसी चैंटिंग को आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं और यदि उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता है तो आप तंत्र कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, अगर आप अपनी ऊर्जा का शोधन कर रहे हैं तो आप आंतरिक तंत्र कर रहे हैं, और अगर बाह्य तंत्र कर रहे हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए तो वो पूर्ण तंत्र है। उसका विधि विधान होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए थोड़ी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि उस प्रकार की जब आप किसी की ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे तो उसका भी तो एक ऑरा है, उसके अंदर भी तो एक मैग्नेटिक रेज है, उसके अंदर भी तो वही ऊर्जा है। तो यदि आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए इस मंत्र प्रयोग को आप अग्रसर हैं या कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा किस प्रकार की है, आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है, आपकी ऊर्जा का शोधन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपकी एक लक्षता कितनी प्रबल है, आपने तंत्र विधान का प्रयोग किया है या केवल मंत्र का प्रयोग किया है, यह सब चीजें मुनस्सिर करती हैं। यह सब चीजें, इनका गहरा संबंध है इन चीजों से। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे ही देख के, YouTube से देख के किसी मंत्र को मत जपे, और अगर आप पूर्ण नॉलेज लिए हुए हैं तो किस प्रकार के प्रभाव हैं, पृथ्वी तत्व, आकर्षण, सौंदर्य, तेज, आपके सूर्य और चंद्र बैलेंस्ड होंगे, वात पित्त कफ बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, आपको वर्ल्डली कंफर्ट्स आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपके अंदर हिप्नोटिक एक तरह की चमक आएगी, आकर्षण, मैग्नेटिज्म ये आएगा, और उसके साथ में आपके अंदर मानसिक शांति भी आएगी और अपनी डिजायर्स को फुलफिलमेंट करने की जो अट्रैक्शन पावर है वो भी मिलेगी। और अब आप माला कौन सी प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, आप चैंटिंग कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें कार्य सिद्धि पर मुनसिर करती हैं, यही चीजें रिजल्ट लाती हैं। और किसी लर्नेड व्यक्ति से किसी चीज को समझना और स्वयं करना, इसमें डिफरेंस तो होता ही है। अब अगर आप अपनी ऊर्जा का शोधन कर रहे हैं तो मैंने बताया आपको कि जीवन में कंफर्ट्स आएंगे, प्रेम आएगा,
आकर्षण आएगा, सौंदर्य आएगा, तेज आएगा, सब प्रकार की उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी कामदेव की, वो ऊर्जा आपके अंदर आएगी और वो इस प्रकार की जो काम की कला, जो मैं पहले भी अभी पिछली वीडियो में बात करके चुका हूं, काम की 64 कलाएं जिसमें कि मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, भाषा सीखना, चातुर्य, कौशल्य, सब प्रकार की विद्याएं, संगीत वाद्य, आपका इंटरेस्ट वर्ल्डली लाइफ में बढ़ेगा ऑन द होल अगर आप 1.25 लाख कर चुके हैं तो। परंतु यह भी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कितनी नेगेटिविटी उसके अंदर है, किस लिए वो कर रहा है और किस मंत्र का साथ में प्रयोग कर रहा है, काफी चीजें इसमें होती हैं। तो इसलिए अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो पहले तो जल्दबाजी में मत करें, धीरे धीरे करें और अपनी ऊर्जा का शोधन महसूस करें। आपको अपनी ऊर्जा का जो शोधन है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा स्वयं ही।